नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रोशनी आजमी। आप देख रहे हैं जनवाद टाइम्स, सच के साथ एक कदम। पिताजी का नाम? बाबू सिंह। अच्छा, काम कौन सा है? सावरा कपूरा। हाँ, दिल्ली में क्या करते थे तुम? हलवाई का काम। अच्छी, कैसे गोली लगी आपको? काम खत्म करके आए थे, भगदौड़ में गोली लग गई। भगदौड़ में जी। तो वहाँ पर कोई किसी ने शासन ने लाइट आया कि नहीं दिल्ली में? जी नहीं। और कितने दिन हो गए दिल्ली आए हुए आपको? दिल्ली से मुझे हो गए थे, गए हुए हुए मेरे को 15 दिन हो गए थे। 15 दिन हो गए जी। तो आप दिल्ली से कब आ गए यहाँ पर? 2 दिन हो गए। 2 दिन हो गए। किसी प्रशासन से मदद मिली आपको कि नहीं? जी नहीं। जी, दिल्ली में किस जगह रहते हो आप? भजनपुरा में। भजनपुरा में जी। तो जब आप जब जो चल रहा था जो गुजरा थे, आप कौन सी जगह पे थे उस टाइम पे? मैं अपने मुस्तफाबाद में था। मुस्तफाबाद में जी। तो गोली सामने से मारी थी कि पीछे से? पीछे से मारी। तो आपने फिर काम वहाँ पर कैसे जान बचाई आपको भाग कर? मौसी का लड़का लेके आया था, मुझे उठा कर ले देती है। वहाँ का पुलिस प्रशासन ने कुछ लिखा था कि फ़ोन वोन नहीं उठाए थे पुलिस वाले, कुछ नहीं कर सकते। फ़ोन करा था उसने, फ़ोन नहीं उठाया, कोई सुनवाई नहीं हो रही। दिल्ली में कैसा हुई आपको ऐसे ही? 10-12 साल। जनवाद टाइम्स की सभी खबरों को लगातार देखने के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।